हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आ जाइए फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है सबसे पहले उन लेक्चर को कम्प्लीट करिए, साथ में हम MCQ कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी आप देखते जाइए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करिए। हमने प्रेम्बल भी कर लिया है कंप्लीट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन लेक्चर को देखेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो बिना देरी करें सबसे पहले इन चैप्टर्स को कम्प्लीट करिए, उसके बाद में यहाँ से आगे से आ जाइए। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक क्वेश्चन से। बताइए, भारत में नए राज्यों की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या राज्यसभा? इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। आ जाइए, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। संघ, फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। देखो, यूनियन और फेडरेशन, इन दोनों में मतलब समझ लीजिए। यूनियन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे स्टेट दिख रहे हैं आपको, इन सबसे मिलकर एक यूनियन बनाए जिसमें पावर किसके हाथ में, सेंटर के हाथ में। ठीक है, और फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन भी ऐसे छोटे छोटे यूनियन से मिलकर बना होता है, पर यहाँ पे पावर किसके हाथ में होती है, स्टेट की अलग पावर होती है। ठीक है, और सेंटर की अलग पावर होती है, ये दोनों में बंटवारा होता है। अब फेडरेशन में क्या चीज़ होती है, फेडरेशन में देखो जो स्टेट होते हैं छोटे छोटे स्टेट, इनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है और सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऐसा कहाँ पर है, अमेरिका में क्या है। ठीक है, और इंडिया में कैसा है, इंडिया में एकात्मक संघात्मक व्यवस्था है, एक ही है, हम सब, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हम अलग अलग नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी चीज़ें। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेडरेशन शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल नहीं किया गया। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्या उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है ना, छोटे छोटे स्टेट से मिलकर हम एक संघ बने। ठीक है, एक संगठित यूनाइटेड बने, ऐसे याद करिए। अब देखिए, डी डी बासु ने के अनुसार क्या है, भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का मिश्रण है। ठीक है, डी डी बासु ने क्या कहा, मिश्रण बताया इसको, मिक्सचर। ठीक, अब इसको याद कैसे रखेंगे, डीडी न्यूज़ आता है अपने चैनल पे, डीडी न्यूज़। ठीक है, या डीडी नेशनल आता था, तो उसने कहा कि मिक्सचर, डीडी मतलब दो दो को मिला दो तो मिक्सचर हो जाएगा, ऐसे याद रख लेंगे। नाम से ट्रिक बना के याद रखेंगे, आपको हमेशा याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान कैसा है, संघीय कम और एकात्मक अधिक है। ठीक है, मतलब फेडरल कम है और एकात्मक मतलब यूनिटरी ज़्यादा है, हम यूनियन ज़्यादा हैं और इसमें फेडरेशन मतलब स्टेट के पास पावर तो है पर इतनी ज़्यादा डिवाइड नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलग हो जाए, जैसे अमेरिका के अंदर है, वो फेडरेशन है क्योंकि वहाँ का स्टेट के सिटीजन्स को अलग से सिटीजनशिप कार्ड मिलता है और अमेरिका का अलग से मिलता है, तो डुअल सिटीजनशिप मिलती है वहाँ पर। और इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कैसे प्रोविज़न है, सिंगल सिटीजनशिप का। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा है, संघीय कम और एकात्मक अधिक का है, किसने कहा है, केसी वियर ने। ठीक है, उनके अनुसार ये अर्ध संघीय हाफ फेडरल है। आ जाइए नेक्स्ट, भारत की वर्तमान स्थिति देखते हैं। देखो, भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख रही है, 2 जून 2014 को 29वां राज्य कौन बना था, तेलंगाना बना था। किससे अलग हो गया, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश कहाँ, ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा तेलंगाना। और साथ में कितनी थी, 7 UTs थी हमारे अभी तक, एट प्रेजेंट तक। ठीक है, परंतु ये 8 कैसे लिखी हुई हैं, 8 ऐसे लिखी हुई हैं, अब देखिए ये 29 से घटकर 28 कैसे हुआ, यहाँ समझ लीजिए, ये एक स्टेट हुआ करता था पहले, इसको यूटी बना दिया गया और 2 UTs आई, कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरेटरीज, तो प्लस 2। ठीक है, यूटीज कितनी बनी, 2 यूनियन टेरेटरीज नहीं बना दी गई, तो 7 में अगर 2 प्लस करेंगे तो कितनी बचेंगी, 9, पर यहाँ पर तो 8 लिख रही हैं, फिर ये क्या हुआ, ये ऐसे हुआ। देखिए यहाँ पर नीचे एक सेकंड इसको क्लियर करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखिए नीचे यहाँ पर आपको दिख रही है दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई, तो 9 - 1 करेंगे तो इक्वल टू 8 जो आपके सामने आ गई। ठीक है, तो ऐसे आप इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अलग दर्जा प्रदान कर दिया गया, मतलब NCR रीजन यहाँ पर डिक्लेयर करा गया, इसी चीज़ की बात। अब देखिए, जैसे अपने हर एक स्टेट में क्या होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, ऐसे ही हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके अंदर खुद की विधानसभा है। कौन कौन सी है वो, एक तो दिल्ली हो गई और एक हो गई पुडुचेरी, इन दोनों की खुद की क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। ठीक है, ये अपने खुद के कानून खुद बना सकते हैं। आ जाइए देखिए, अपने जो 7 यूनियन टेरिटरीज अभी उन्होंने पढ़ी, अब उनको देख लेते हैं, 7 + 8 जो अब 8 हो गई हैं, कौन कौन सी, 1 जम्मू एंड कश्मीर, 2 लद्दाख, 3 चंडीगढ़, 4 दिल्ली, 5 दमन एंड दीव दादर नगर हवेली हो गई,
छठी पौंडीचेरी हो गई, सातवीं लक्षद्वीप हो गई, आठवीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए। तो ये आपको सारी याद होनी चाहिए, यूनियन टेरिटरीज भी। आ जाइए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए देश को चलाने के लिए पावर का डिवीज़न सेंटर और स्टेट्स के बीच में किया गया है, ठीक है, सभी स्टेट्स में। तो सेंटर ने क्या करा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट रखे जिन पर कानून सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे करे जिनको स्टेट्स गवर्नमेंट को दे दिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखे जिस पर ये दोनों ही कानून बनाएंगे, सेंटर और स्टेट्स, ठीक है। तो कौन से हैं, कितने हैं, ये देखते हैं। आ जाइए देखो, शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के बीच में विभाजन किया गया। केंद्र सूची में 97 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय तथा राज्य सूची में 66 विषयों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से राज्य सूची में से 5 विषयों का लोप कर दिया गया, ठीक है। अब राज्य सूची में 66 में से घटकर कितने रह गए, 66 में से घटकर 5 गए, तो कितने बचे, 61 रह गए, ठीक है। और यहाँ पे 47 में प्लस कर दिए गए तो कितने हो गए, 53 हो गए। तो इस तरीके से इनको याद कर लीजिए। कौन से 5 विषय थे जिनका स्टेट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। समवर्ती सूची को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट से किया गया था, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जैसे 5 सब्जेक्ट को हटाकर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में ले आए। कौन कौन से, पहला सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ, किसका कौन सा कंट्रोल, ऑल कोर्ट्स एंड एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को छोड़ के सभी कोर्ट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल है, वो उठा के स्टेट सब्जेक्ट से उठा के किस में डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। दूसरी फॉरेस्ट, जंगल का कानून, ठीक है, स्टेट के पास था, स्टेट से हटा के किस पे, कॉन्करेंट में डाल दिया गया। पॉपुलेशन एंड कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन इंक्लूडिंग मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन, वेट एंड मेजर्स एक्सेप्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो नाप एंड तोल वाले होते हैं ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो इन सब कानूनों को उठा के किस में डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। इनको बार बार रिवाइज करिए, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करिए, क्योंकि यही सीधे सीधे एग्जाम। अब आ जाइए यहाँ से देखते हैं, भारतीय संघ की अवशिष्ट विषय रेजुडरी पावर किसके पास दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी गई, केंद्र सरकार को दी गई। क्या मतलब है इसका, देखा है समझिए, अपन ने पीछे स्टेट सब्जेक्ट पढ़े हैं कुछ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 97 सब्जेक्ट है, स्टेट के पास 66 थे, जो घटकर कितने रह गए, 61 रह गए, ठीक है, 5 हटा दिए ना। और कॉन्करेंट में कितने थे, 47 थे, जो बढ़कर कितने हो गए, 53 हो गए, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अब ये जो सब्जेक्ट है, इनके अलावा कोई ऐसा नया सब्जेक्ट आता है जिस पर कोई कानून, जिसके बारे में मेंशन नहीं है संविधान के अंदर, तो उस पर कानून कौन बनाएगा, उस पर कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि रेजुडरी पावर किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, जिसमें जिस विषय के बारे में कहीं भी कोई उल्लेखित नहीं है, उस विषय पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। आ जाइए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है कि भारत की इकाइयाँ, जो भारत की जो स्टेट है ना, वो अपना खुद का अलग से संविधान नहीं रख सकते, ठीक है, साथ साथ वो किसी दूसरे देश के साथ में व्यापार नहीं कर सकते हैं, अलग से लोन नहीं ले सकते। कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेगी, व्यापार कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान है, एमपी है, ये अलग से जाके किसी दूसरे देश के साथ में कोई ट्रीटी नहीं कर लेंगे, कोई अलग से ज़्यादा व्यापार नहीं कर लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है तभी जाके कर सकते हैं। ये अपने आप को हमारे जो इंडिया ने इससे अलग नहीं कर सकते कि हमें ना आज अपने आप को अलग करके पाकिस्तान में मिल जाएं, या बांग्लादेश में चले जाएं, या श्रीलंका में चले जाएं, ऐसा नहीं कर सकते ये स्टेट्स, ठीक है, कोई भी स्टेट। भारतीय संघ की इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आ जाइए पावर देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारतीय संघ और राज्यों के लिए जो पावर डिफाइन करी गई है। देखा, राज्य जो है इकोनॉमिक सहायता, मतलब आर्थिक सहायता के लिए किस पर डिपेंडेंट है, संघीय सरकार पर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पूरा सिस्टम कैसा काम करने लगेगा, एक यूनिटरी, एकात्मक रूप से काम करने लगती है। देखिए, भारतीय संघ व्यवस्था किससे मिलती जुलती है, कनाडा से मिलती जुलती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इकरी नागरिकता है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का प्रोविज़न नहीं है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए पूरा इंडिया है, ठीक है, इंडिया ढंग से बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया, ठीक है। अभी इंडिया के जो स्टेट हैं, जैसे राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कोई सा भी स्टेट ले लीजिए, अब ये हम यूँ नहीं बोल सकते हम राजस्थान के नागरिक हैं, हम क्या बोलेंगे, हम राजस्थान के निवासी हैं, यहाँ के हम निवासी हो सकते हैं, नागरिक तो हम किसके हैं, भारत के, इंडिया के, ठीक है। तो नागरिकता किसकी प्राप्त है, हमें भारत की, हमें राजस्थान की नागरिकता नहीं है, राजस्थान के तो हम निवासी हैं, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ का बोनाफाइड मिलता है हमें, और वहाँ के हम निवासी कहलाते हैं, ना कि नागरिक होते हैं, नागरिक हम देश के होते हैं, ठीक है, ऐसे याद करिए। अमेरिका में उल्टा है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, जिस स्टेट में रहते हैं वो उसके भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं, ठीक है। संघ की इकाइयों की पृथक नागरिकता प्राप्त नहीं है, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है,
हाँ बिल्कुल बना सकती है। कब कब बना सकती है? देखिए, जब वो राष्ट्रीय महत्व का विषय हो, या फिर प्रेसिडेंट मतलब रूल लग रहा हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो, या सभी राज्यों की विधानसभाओं ने ऐसी इच्छा व्यक्त करी हो, ये तीन कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। ठीक है, यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य तथा केंद्र दोनों ही कानून बनाते हैं तो किसका माना जाएगा? कॉन्करेंट सब्जेक्ट पर अगर बनाते हैं, कानून बना दिया स्टेट ने भी और सेंट्रल ने भी, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए संघ और उसके राज्य क्षेत्र। हमारा जो अनुच्छेद एक है आर्टिकल वन में क्या मेंशन है? संघ का नाम इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा। ये अच्छे से याद कर लीजिए, ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जाइए दूसरा आर्टिकल है, सेकेंड आर्टिकल है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पावर मिलता है, आर्टिकल नंबर 2 में दे रखा है कि हम नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं, उनका स्थापना करा सकते हैं संसद विधि द्वारा इसे। अब आ जाइए, देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों संसद क्या विधि द्वारा क्या कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। कैसे कर सकती है? लॉ बना के, कानून बना के। आ जाइए देखो, आर्टिकल नंबर 4 में लिख रहा है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ अनुच्छेद 2 या 3 दे रखा है। सबसे पहले हम ये पहले अनुसूचियाँ देख लेते हैं, क्योंकि ये जब तक आप नहीं देखेंगे आपको समझ भी नहीं आएगी। जी देखिए, मतलब जिससे पिछली बार हमने ये अनुसूचियाँ देखी थी, तो जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर में जाकर, प्रस्तावना वाले में जाकर सबसे पहले इसको कंप्लीट करिए, तभी आपको चीज़ समझ में आएंगे। आ जाइए देखिए, पहली अनुसूची में दे रखा है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन, और चौथी अनुसूची में दे रखा है अलोकेशन ऑफ सीट्स, और उनको ट्रिक से भी याद किया था हमने, बहुत ईजी ट्रिक है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, अलोकेशन ऑफ सीट्स हो गया और राज्य तथा संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन हो गया। आ जाइए अब यहाँ देखते हैं फोर्थ आर्टिकल नंबर 4 में क्या कह रखा है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में कोई संशोधन होता है किसके तहत? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, इसमें क्या है, किसको पावर है? संसद को पावर है ना कानून बनाने की, नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो इस तरीके का कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है फोर्थ अनुसूची, फर्स्ट या फोर्थ के अंदर, तो उसे क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। बस बात ये करा है 368 के तहत क्या है, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, इसीलिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। उसे कैसा अमेंडमेंट माना जाएगा? सिंपल अमेंडमेंट माना जाएगा। बस इतनी ही चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो आपके 4 आर्टिकल कंप्लीट हो गए। आ जाइए वो क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में नए राज्यों की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो नए राज्यों की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? राष्ट्रपति की अनुमति से की जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके लिए आ जाइए जाते जाते एक क्वेश्चन कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर में किया गया था? ईयर का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन है पहला 1942, दूसरा ऑप्शन है 1946, तीसरा है 1972 और चौथा है 1976। तो इस अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए बाय।